महामारी के बाद लॉकडाउन में सौराष्ट्र में फंसे मजदूरों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कई सारे विरोध प्रदर्शन किए। ऐसे में सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की। राजकोट से हर रोज 5 ट्रेन मजदूरों को लेकर उनके गांव छोड़ती है। ऐसे ही मजदूर और उनके परिवार के लिए राजकोट का कानूड़ा मित्र मंडल ग्रुप अनोखी सेवा कर रहा है। राजकोट का कानूड़ा मित्र मंडल वैसे तो लॉकडाउन में सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटा है। रोज का काम कर रोज खाने वाले लोगों को इस ग्रुप ने 500 रुपये नगद दिए हैं। यह ग्रुप अभी तक तकरीबन 1500 लोगों को 500 रुपये नगद दे चुका है। साथ ही साथ इस ग्रुप ने जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की किट और खाने की व्यवस्था की है। दूसरी ओर मजदूरों के लिए सरकार ने ट्रेन शुरू की तो इस ग्रुप ने राजकोट से गई पहली ट्रेन का पूरा खर्चा उठाया और मजदूरों के लिए सूखे नाश्ते दिए और बच्चों को खिलौने दिए। ये एक लाइक हम लोगों का जो कानूड़ा मित्र मंडल है वो 35 साल पुराना है। जो हम लोग वैसे ही हर साल में हमारे 12 या 15 फंक्शन होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि अगर जाने वाले ये मजदूर है वो पहले 5 घंटे मतलब जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर ट्रेन में बैठेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता वही रहता है खाने का। तो हम लोगों ने यही सोचा कि खाने का ही किट प्रोवाइड करें और वही किट प्रोवाइड करें जो टेट्रा पैक है, थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। और बच्चों के लिए इसीलिए विचार आया क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं सकते हैं, तो उसको थोड़ा ट्रेन में रखना, सोशल डिस्टेंस के साथ रखना, कोरोना को प्रोटेक्ट करके रखना बच्चों को, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर खिलौने रहेंगे बच्चों के साथ वो उसका टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा कोरोना से वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने खिलौना और उसका फूड प्रोवाइड किया है। राजकोट से नीलेश शशांकिया की रिपोर्ट, गुजरात तक।